नमस्कार। ज्ञान नीति के आज के इस क्रम में मैं अनुप कुमार सेठ आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिजनेस के दो प्रकार के बारे में बताऊंगा। बिजनेस का जो पहला प्रकार होगा वो होगा फीचर्स ऑफ बिजनेस, और जो दूसरा प्रकार होगा उसको नाम होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इन दोनों में सबसे पहले मैं आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताता हूँ। फीचर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हम सामान लेते हैं, मतलब अपना सामान देते हैं और किसी से पैसे लेते हैं, तो इसमें हम किसी सामान को बेच रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं, तो इसीलिए डीलिंग हो गई एक टाइप। हम चाहें तो इसे ऑनलाइन करें या फिर हम इसे डायरेक्टली करें, ये मैटर ज्यादा नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि हम अपना सामान देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। और दूसरा, इसमें हम अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि हम कहीं पे सर्विस करते हैं जाके, या फिर कुछ और हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले हम उनसे पैसे लेते हैं। और आता है अब दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, हम किसी बड़े पैमाने पर अपने सामान को बनाते हैं और उसको बनाने के बाद जो उसकी लागत होती है हम उसको वसूल करते हैं, हम किसी को बेचते हैं, हम उसे किसी को बेचते हैं या फिर हम उनसे सामान लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, तो इसीलिए हम उसको प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज कह सकते हैं। ओके, आज के टाइम पे कुछ अलग चीजें आ रही हैं, तो इस हिसाब से चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड रेगुलर डीलिंग। इसमें क्या होता है कि हम डेली अपना सामान बेचा करते हैं, जैसे कि दुकान वाले होते हैं वो डेली के डेली अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो बेचते रहते हैं, उनके पास डेली कस्टमर आते हैं और वो डेली डीलिंग करते हैं, इसीलिए इन्हें कह सकते हैं हम कंटिन्यूटी डीलिंग एंड जो इसमें सर्विस जो भी होता है। इसमें जैसे कि कार्स हैं, ये भी डेली बनती हैं और डेली बिकती भी हैं। ओके, डेली कई सारी कार तैयार होती हैं और फिर डेली एक्सपोर्ट भी होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट मोटिव। इसमें क्या होता है, हम जो भी बिजनेस करते हैं हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये रोल होता है कि उससे हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर हमें उससे प्रॉफिट नहीं होता तो हम उस बिजनेस को ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते, इसीलिए प्रॉफिट मोटिव बहुत ही जरूरी होता है अपने उसमें, अपने बिजनेस में। ओके, और इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि हम जब भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अगर उसमें फायर या किसी कारण से प्राकृतिक दुर्घटना से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो नुकसान में जाता है। या फिर दूसरी दिक्कत ये होती है कि जो भी हम जैसे कि अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें कोई कमी रह जाती है तो फिर उसके कारण हमारी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो गिरती है, जो हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है अपने बिजनेस में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि हम सब लोग मिलकर के तैयारी करते हैं कि अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको बढ़ाना और अपनी जो जितना भी मार्केट होता है उसको बढ़ाना और अपनी जितने भी सामान होते हैं उन सब में इम्प्रूव करना, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट करना, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि इसमें जितने भी हम जब भी अपना बिजनेस या फिर कुछ और करते हैं तो फिर इसमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि हमारे जितने भी समाज में एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बढ़ाना, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। हम अपने जितने भी समाज में जैसे कि हमें कोई चीज बेचनी हो तो फिर हम उनको हमारे समाज को उसकी जरूरत है और हम अगर उससे सिर्फ रीजनेबल प्राइस लें, मतलब कि सिर्फ उतनी ही पैसे ले जितना हमारी उसमें लागत लगी है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी, जैसे हमारी कंपनी है, हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, हमने मान लीजिए 5 एम्प्लॉय को हायर किया, तो फिर हमें उन सभी पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं या फिर उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनकी सुविधाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारा जो एम्प्लॉय होगा वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा और इसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो चले जाएंगे और वो अच्छा काम भी नहीं करेंगे, परेशानी होगी, हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है,
इसीलिए सभी सभी कंपनियां ये ध्यान देती हैं कि उनकी जितनी भी कंपनी होती है वो ढंग से अपना काम, मतलब कि अपने सारे एम्प्लॉय को ढंग से रखती हैं, मतलब उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। इसीलिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इसी में कहा जाता है कि अगर हम अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको अगर हम खुश रखें, उनसे अगर हमें अच्छे से काम कराना है तो उनके लिए हम कई सारी सुविधाएं दें, उनको एकदम प्रॉपर माहौल दें अपना काम करने के लिए, तो फिर हमारा जो काम होगा वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे। तो इसीलिए ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।